हेलो नमस्कार आदाब, मैं सुधीर शुक्ला आपके अपने चैनल ओनली फॉर यू पे आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सरकारी नियमों का पालन कर रहे होंगे। और जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। और आज हम देखेंगे जो इंडियन ज्योग्राफी में बहुत महत्व है इसका, बहुत एग्जाम पूछा जाता है, भारत के महत्वपूर्ण पासेस। इनको दर्रे भी बोला जाता है और ला भी बोला जाता है, जैसे लाल किला हो गया, जिलपला हो गया, नाथुला हो गया। तो पहले देखते हैं क्या होते हैं ये। तो ये है, ये पर्वत श्रृंखलाओं श्रृंखला में प्राकृतिक रूप से निर्मित समतल मार्ग होते हैं जो आवागमन के साधन हेतु बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो किसके बीच? पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में। अगर ये एक इस तरह, अगर पर्वत श्रृंखला को मान लें कि इस तरह एक पहाड़ श्रृंखला चली गई है, तो इसके बीच में प्राकृतिक रूप से या किसी नदी के माध्यम से या किसी पूर्ववर्ती नदी के माध्यम से जो मार्ग प्राप्त होता है वो होता है हमारा दर्रा या पास या ला। ये चीज़ आपको पता होगी, ये चीज़ आपको महत्वपूर्ण है, आपको इसको ध्यान रखना है। तो हम देखते हैं कि इंडिया में किस किस स्टेट में कौन कौन से दर्रे हैं, इससे भी क्वेश्चन बनता है बराबर। तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं लद्दाख की, जो ब्यूटी बन चुका है। तो लद्दाख का जो महत्वपूर्ण दर्रा है, क्योंकि आपको मैप पे तो बहुत सारे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण दर्रों की बात करते हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है। तो इसकी ऊंचाई जो है 5,654 मीटर है, 5,654 मीटर। और ये दर्रा लद्दाख को तिब्बत चीन से जोड़ता है। इसी से जो सी पैक जो बना हुआ है, पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसी से गुजरता है। जोजिला पास ये भी लद्दाख में है, ये जासकर रेंज में है और ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, वो भी एक यूटी बन चुका है। तो वहाँ पे आप वहाँ पे जो दर्रा बुर्जिल है ये श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। फिर दूसरा है पीर पंजाल दर्रा, ये पीर पंजाल श्रेणी में है, कुलगांव से कोठी को जोड़ता है। फिर अगला महत्वपूर्ण दर्रा है बनिहाल, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 1A इसी से गुजरता है, दर्रे से जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है और इसी में जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया है। तो बनिहाल दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, जो अब यूटी बन चुका है। तो हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश से कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्रे हैं। तो बारालाचा दर्रा ये मंडी से लेह को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बराबर न्यूज़ में है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये पीर पंजाल श्रेणी में है और मनाली को लेह से जोड़ता है। और यहीं पर अटल टनल का निर्माण हुआ है, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया इसका। और ये जो अटल टनल नाम दिया गया है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी स्मृति में इसको नाम दिया गया है। तो ये कहाँ पर? रोहतांग दर्रे से, और ये जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकिला दर्रा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है और ये इसी से सतलज नदी यहीं से बहती है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में दर्रा है माना दर्रा, ये कुमाऊं श्रेणी में स्थित है, ये कैलाश मानसरोवर को यात्रा का मार्ग भी है। फिर दूसरा है नीति दर्रा, यह कुमाऊं श्रेणी में स्थित है, ये कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग भी है। तीसरा है लिपुलेख दर्रा, ये भी कुमाऊं श्रेणी में स्थित है, कैलाश मानसरोवर का मार्ग भी स्थित है। और माना दर्रा को पहले कहा था कि सबसे ऊँचा दर्रा है, तो कहाँ पर? उत्तराखंड में है, ये भी याद रखना है। और अभी लिपुलेख दर्रा जो है ये सबसे अभी विवाद का बिंदु था, किसके बीच में? भारत और नेपाल के बीच में। तो जो महाकाली या काली नदी है उसी से इसका प्रवेश होता है, तो इसको लेके विवाद था, इसकी स्थिति को लेके विवाद था कि ये कहाँ पे पड़ता है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जो दर्रे हैं महत्वपूर्ण है, तो पहला है हो गया उत्तराखंड हमारा। अब सिक्किम देखते हैं, सिक्किम के जो दर्रे हैं तो नाथुला है, नाथुला बहुत महत्वपूर्ण है। तो दार्जिलिंग, दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग गुजरता है यहाँ से। और क्योंकि यहाँ से अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी होती है जो तिब्बत अब चाइना में पड़ता है, और ये हमारा सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा है जलेपला, ये तिब्बत और भूटान को जोड़ता है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो यहाँ पर जो दर्रा बोमला दर्रा, और ये जो दर्रा है तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। यांग दरिया, ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है यहाँ से। पांग साउ दर्रा और रिफू दर्रा, ये भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। अब बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर में जो दर्रा है वो है तुजू दर्रा, ये इम्फाल से तामू म्यांमार को जोड़ता है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। ये महाराष्ट्र कहाँ पे? पश्चिमी घाट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पश्चिमी घाट। तो यहाँ पर थालघाट दर्रा है, यह पश्चिमी घाट में स्थित है, उत्तरी सह्याद्री में स्थित है। ये मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग सड़क मार्ग को जोड़ता है। अब बात करते हैं भोरघाट की। तो भोरघाट दर्रा ये पश्चिमी घाट में स्थित है, ये उत्तरी सह्याद्री में स्थित है और ये मुंबई पुणे बेलगांव
चेन्नई रेल मार्ग सड़क मार्ग से गुजरता है यहीं से। और बात करते हैं केरल की, ये पालघाट दर्रा है और ये नीलगिरी अन्नामलाई श्रेणियों के बीच स्थित है। यह कालीकट त्रिचूर कोयम्बटूर ईरोड रेल मार्ग। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख दर्रों की, तो भारत के प्रमुख दर्रे हैं उनकी स्थिति के बारे में। तो पहले हमारा यूटी कौन सा, लद्दाख है, तो लद्दाख में आगिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, चांगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, थांगला दर्रा और जूजिला दर्रा, ठीक है, क्योंकि हम इसको वहाँ पर डिस्क्रिप्शन देख चुके हैं, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। अब बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर की, बुरजिल, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा यहाँ पर स्थित है। और बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर दर्रा है सिपकीला और बारालाचाला और रोहतांग पास, जहाँ पे अभी अटल टनल का निर्माण हुआ है। हम बात करते हैं उत्तराखंड की, उत्तराखंड में जो दर्रा है माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा, ठीक है। अब बात करते हैं हम सिक्किम की, तो सिक्किम में जो दर्रा है नाथुला, ये बहुत महत्वपूर्ण है सामरिक रूप से, और नाथुला जलपला। तब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, यहाँ पे यांगयांग दर्रा, बोमला दर्रा, पांगसाऊ दर्रा, लेकपनी दर्रा और दिफू दर्रा। हम बात करते हैं मणिपुर की, यहाँ पे तुजू दर्रा है। अब हम चलते हैं पूर्वी घाट की ओर, पूर्वी घाट की ओर, पश्चिमी घाट की ओर सॉरी। तो पश्चिमी घाट में जो महाराष्ट्र में उतर रहे हैं थाल घाट और भोर घाट। और जो बात करते हैं केरला में, केरला में दर्रा है पालघाट दर्रा। अब क्योंकि सच्चा ज्ञान वही होता है जो एग्जामिनेशन हॉल में काम आता है, तो सर्वप्रथम रिवीजन कर लेते हैं हम, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो दर्रा क्या होता है, एक पर्वत श्रृंखला है और ये प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है। और लद्दाख की दर्रों की बात करते हैं, महत्वपूर्ण दर्रों की, तो पहला हमारा जो दर्रा है लद्दाख में वो है काराकोरम दर्रा, यह लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, यहीं से सीपैक निकला हुआ है। फिर जोजिला दर्रा, ये जास्कर रेंज में स्थित है, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, जास्कर श्रेणी में स्थित है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ बुरजिल है, ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। फिर पंजाल दर्रा, ये कुलगांव से कोठी जोड़ता है। बनिहाल दर्रा, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 180 से गुजरता है और ये जवाहर सुरंग यहीं पर स्थित है। और हम बात करते हैं अब हिमाचल प्रदेश के दर्रों की, हिमाचल प्रदेश में दर्रा है बारालाचा दर्रा, ये मंडी को लेह से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा यह मनाली को लेह से जोड़ता है, अटल टनल का निर्माण यहीं हुआ है। फिर सिपकीला दर्रा यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, सतलज नदी यहीं से निकलती है या प्रवेश करती है भारत में। और बात करते हैं उत्तराखंड में, ये कुमाऊं श्रेणी में तीनों दर्रे स्थित हैं, माना नीतु लिपुलेख और ये कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग तीनों बनाते हैं। और यहीं से अभी ये लिपुलेख दर्रा है, ये भारत नेपाल के बीच में तनाव का बिंदु था। तो माना नीतु लिपुलेख कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में। बात करें सिक्किम की, ये सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, दार्जिलिंग चुंबा घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है, सिल्क रोड भी यहीं से गुजरता था। और हम बात करें जलपला, ये तिब्बत से भूटान को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश, ये बोमडिला, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे बोमडिला तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग गुजरता है। यांगपांग दर्रा, ब्रह्मपुत्र नदी बाद में इसी के निकट से प्रवेश करती है। और दो दर्रे यहाँ के हैं पांगसाऊ और दिफू दर्रा, भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है दोनों। अब हम बात करते हैं मणिपुर की दर्रे की, तो तुजू दर्रा ये इम्फाल को तामू से जोड़ता है। महाराष्ट्र के दर्रे थालघाट और बोरघाट पश्चिमी घाट में उत्तरी सह्याद्री में स्थित हैं। मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग प्लस सड़क मार्ग यहीं से गुजरता है। ये भी बोरघाट भी पश्चिमी घाट में उत्तरी सह्याद्री में, यहीं पर मुंबई पुणे बेलगांव चेन्नई रेल मार्ग और सड़क मार्ग यहीं गुजरता है। बात करते हैं केरला की, केरला में पालघाट दर्रा है, नीलगिरी अन्नामलाई श्रेणियों के बीच में, यहाँ पर कालीकट त्रिचूर कोयम्बटूर रोड सड़क मार्ग यहाँ से गुजरता है। अब बात करते हैं मैप की, तो मैप में कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्रे हम लोग मार्क किए थे, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आगिल दर्रा कहाँ पे, लद्दाख में आगिल, काराकोरम, चांगला, खारदुंगला, थांगला, जोजिला, ये कहाँ पे हैं लद्दाख में। बात करें जम्मू कश्मीर की, बुरजिल, पीर पंजाल, बनिहाल। बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश की, तो बारालाचाला, रोहतांग पास जो महत्वपूर्ण है, सिक्किला। बात करते हैं उत्तराखंड की, मानाला, लिपुलेख और नीति दर्रा, तो माना नीति लिपुलेख कहाँ पे हैं, ये उत्तराखंड में। बात करते हैं हम सिक्किम की, तो यहाँ पे नाथुला और जलपला हैं। और बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो बोमडिला, यांगयांग दर्रा, पांगसाऊ दर्रा,
एक पानी दर्रा और दीफू दर्रा। हम बात करते हैं मणिपुर में, मणिपुर तुजू दर्रा है, और हम बात करें महाराष्ट्र की तो थालघाट बोरघाट दो दर्रा है यहाँ पे, और जो केरला में दर्रा है पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा। तो आप इसी चीज़ को इसको रिवाइज़ करें, और इसी मंगल कामना के साथ चलता हूँ कि हमारा आने वाला कल बेहतर हो। और जो वर्तमान में परीक्षाएं लगी हुई हैं, रेलवे के एग्ज़ाम है, जो अदर एग्ज़ाम है, उसके लिए आप पढ़ते रहें और बढ़ते रहें, और इसी मंगल कामना के साथ चलते हैं कि हमारा आने वाला कल आज से बेहतर हो। धन्यवाद।